हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गेमिंग पीसी बिल्ड अंडर रुपीस 40,000 के बारे में, जो कि मेरे साइड में रखा हुआ है। एंड ये जो पीसी है ना, ये आपको करा के देगा भाई बहुत ही कमाल की गेमिंग। मतलब 40,000 रुपए के हिसाब से ये जो आपको गेमिंग करा के देगा ना, वो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। एंड साथ ही में इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस पीसी के गेमिंग बेंचमार्क्स भी दिखाने वाला हूं कि मतलब आपको जब आप गेम्स खेलोगे तो आपको कितने FPS मिलते हैं, कैसी आपको परफॉर्मेंस मिलती है, तो वो चीज भी भाई आज की इस वीडियो के अंदर इंक्लूडेड है। तो यार मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, परफॉर्मेंस को भी जरूर देख के जाना, क्योंकि बहुत कमाल का पीसी है यार, बहुत मजे आने वाले हैं। तो अब हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा वैसे अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल के ऊपर बात करी जाती है ऐसी गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के ही बारे में। तो अगर आप लोग अभी इंटरेस्ट है भाई ऐसी गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के ही अंदर, तो यार क्या कर रहे हो, किस बात की देरी है, जल्दी से दबाओ सब्सक्राइब के बटन को, साथ ही में दबाओ उस बेल आइकन को भी, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को स्क्रीनशॉट नोटिफिकेशन। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय GrabKeys.in। अगर आपको काफी चीप में विंडोज 10 का लाइसेंस खरीदना है तो आप GrabKeys.in वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। यहां पर आपको 100% जेन्युइन विंडोज 10 प्रो की OEM की रिटेल की देखने को मिल जाती है। रिटेल की यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए में और 1000 रुपए में यहां पर आपको OEM की देखने को मिल जाती है। एकदम 100% जेन्युइन एंड ट्रस्टेड वेबसाइट है। लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप परचेस कर सकते हैं। अच्छा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस गेमिंग पीसी के अंदर यूज करेंगे कॉम्पोनेंट्स के बारे में, देन हम बात करेंगे इसके गेमिंग बेंचमार्क्स के बारे में, यानी कि कैसा परफॉर्म करता है गेम्स के अंदर। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं इसके अंदर यूज करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। तो प्रोसेसर मैंने यहां पर यूज करा है AMD की तरफ से Ryzen 3 3100। AMD की तरफ से Ryzen 3 लाइनअप के अंदर एकदम लेटेस्ट CPU एंड काफी अच्छा प्रोसेसर है बजट गेमर्स के लिए। मतलब 4 कोर और 8 थ्रेड इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। AM4 सॉकेट को ये सपोर्ट करता है। ओवरऑल एक काफी अच्छा प्रोसेसर है। अगर आप बजट के अंदर रहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, तो ये जो प्रोसेसर है वो आपके लिए काफी अच्छी चॉइस हो सकती है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो AMD के प्रोसेसर्स हैं उनकी प्राइस अभी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, थोड़े से हाई चल रहे हैं। और ये जो प्रोसेसर है वैसे अगर आप करंटली मार्केट के अंदर लेने जाओगे तो ये आपको करीब करीब मिल जाएगा लगभग 8,500 रुपए से लेकर के 9,000 रुपए के आसपास में। अगर वही बात है, अगर आप थोड़ा सा ऑफलाइन लेने की कोशिश करोगे तो ये आपको सस्ता पड़ जाएगा। इवन ये जो पूरा पीसी है अगर आप इसको ऑफलाइन लेते हो तो ये लगभग आपको 40,000 रुपीज के आसपास में पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन लोगे तो ये हो सकता है आपको 1-2 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, यानी 41-42,000 तक का ये पड़ सकता है। तो अगर आपके पास एक्सेस है ऑफलाइन मार्केट की, देन कंसीडर जरूर करना वहां पर जाकर के बिल्ड करना। बाय द वे प्राइसेस की वजह से आजकल इंटेल का i3-10100F एक बेटर ऑप्शन हो गया, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता मिल रहा है, लगभग 1,000-1,200 रुपए आपको वो सस्ता भी मिल जाता है। बट स्टिल अगर आपको AMD का ही लेना है तो आप इसके साथ में जा सकते हो। बाकी जितने भी इंटेल वाली जनता है उनके लिए भी एक अलग से पीसी मैं ले आऊंगा फ्यूचर में। अच्छा वैसे ये जो पूरा पीसी है इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स मैं यहां पर यूज करने वाला हूं सभी की लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाकर के आप इनको परचेस कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन ही खरीदना चाहते हो। बाकी ऑफलाइन लेना चाहते हो तो आप जाकर के वहां से भी परचेस कर सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ी बहुत और जानकारी चाहिए इन कंपोनेंट्स की तो आप उन लिंक्स को जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अच्छा रैम के बारे में हम लोग बात करें तो रैम मैंने यहां पर यूज करी है Corsair Vengeance LPX 8-8 GB की, टोटल 2 स्टिक्स जो कि 3200 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है। और यहां पर मैंने 8-8 GB की 2 स्टिक्स यूज करी है, यानी कि टोटल रैम मैंने यहां पर यूज करी है 16 GB। और 16 GB भाई मोर देन इनफ रहने वाली है, काफी ज्यादा फ्यूचर प्रूफ भी रहने वाली है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 16 GB के अंदर हर एक काम आप आराम से कर पाओगे, और डुअल चैलेंज के अंदर यूज करिए तो आपको यहां पर जो अच्छे खासे बेनिफिट भी देखने को मिलने वाले हैं। तो काफी बढ़िया रैम स्टिक्स है, आप डेफिनेटली इनका यूज कर सकते हो। मदरबोर्ड के बारे में बात करें तो यहां पर आप कोई भी एक अच्छा सा A320 मदरबोर्ड यूज कर सकते हो, बट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वो 3rd Gen सपोर्टेड मदरबोर्ड हो। वैसे अगर आप कोई भी आज की डेट में मदरबोर्ड बाय करोगे तो वो 3rd Gen सपोर्टेड ऑलरेडी आएगा, बट फिर भी मैं आपको जो है बता रहा हूं, ठीक है, तो कि इस चीज का ध्यान रखना। वैसे कोई भी 2-3 जो भी मेरे को अच्छे अच्छे A320 मदरबोर्ड लगेंगे उन सभी की जो लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। असूस का आता है A320MK, MSI का भी आता है A320M Pro, कुछ ऐसे कर करके, और गैलेक्स का भी आता है A320 मदरबोर्ड। तो ये सभी काफी अच्छे हैं, आप इन सब का यूज कर सकते हो। ओवरऑल एकदम बेसिक से मदरबोर्ड होते हैं, आप इनके ऊपर सीपीयू तो ओवरक्लॉक नहीं कर सकते, बट यस आप इनके ऊपर मेमोरी को हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर रन कर सकते हो, या इवन रैम को ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। बात करते हैं भाई गेमिंग कराने वाले सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट के बारे में, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। और आप में से यार काफी सारे लोगों ने गेस कर लिया हो, क्योंकि बजट पीसी बिल्ड है तो हम बजट सीरीज का कोई ग्राफिक कार्ड यहां पर यूज करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने यूज करा है Inno3D की तरफ से उनका GTX 1650 सुपर, काफी एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, काफी बजट फ्रेंडली ग्राफिक्स कार्ड होते हैं भाई Inno3D के। एंड इसकी जो प्राइस है वो लगभग आपको 14,500 या फिर 15,000 रुपए के आसपास में पड़ेगा। एंड ये जो आपको गेमिंग करा के देगा,
मतलब ये जो मैंने Ryzen 3 3100 लगाया है एंड ये जो 1650 Super Inno 3D का, इसके ऊपर अगर आप गेमिंग करोगे तो यहां पर आपको बहुत ही आराम से भाई 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर, हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर आपको बहुत आराम से भाई 60 to 70 FPS हर एक गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो काफी कमाल का भाई ये कॉम्बो है। वैसे गेमिंग बेंचमार्क्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आप तब भी देख सकते हो। एंड इसके अंदर हमें 4GB की VRAM देखने को मिल जाती है। ओवरऑल एक काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हो। बात करें हम लोग स्टोरेज के बारे में, तो यहां पर मैंने यूज करी किंगस्टन की तरफ से 240GB की SSD एंड यहां पर जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ SSD का यूज करा है, हार्ड ड्राइव का मैंने यहां पर यूज नहीं करा है। लेकिन अगर आपके लिए स्टोरेज ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं कि आपको और ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो आप दो तीन काम यहां पर कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां पर आप 8GB की एक सिंगल स्टिक ले सकते हो इंस्टेड ऑफ 8-8GB की दो स्टिक्स, यानी कि आपकी फिर टोटल रैम हो जाएगी 8GB और जो पैसा उससे बचेगा आप एक हार्ड ड्राइव उसकी जगह ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि SSD ना लेकर के सिर्फ और सिर्फ आप हार्ड ड्राइव ले सकते हो 1TB की। तो ये दो तीन चॉइसेस है जो कि मैंने आपके सामने रख दिए। वैसे मैं आपको ये बोलूंगा कि आप प्रेफर ये करना कि आप जो है 16GB रैम लेकर के 240GB की SSD ले लेना, बाद में जब 2-3 हज़ार रुपये कुछ एक दो महीने बाद जब आपके पास जो है कलेक्ट हो जाएंगे तो आप जो एक हार्ड ड्राइव इसके अंदर ऐड कर लेना, या फिर अगर आपके पास कोई पुराना PC हो तो आप उसकी हार्ड ड्राइव का भी जो है यहां पर यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान में ये रखना है, ये जो मैंने आपको ऑप्शन दिया है ना कि आप सिंगल स्टिक ले सकते हो 8GB की इंस्टेड ऑफ दो स्टिक्स और उसकी जगह हार्ड ड्राइव ले सकते हो, तो ये जो गेमिंग बेंचमार्क्स आपको अभी देखने को मिलेंगे उसके अंदर मैंने 8-8GB की दो स्टिक्स यूज करी है जो कि डुअल चैनल में यूज करी है, तो फिर आपके पास एक सिंगल स्टिक रह जाएगी तो थोड़ी बहुत आपको परफॉर्मेंस भी जो है कम देखने को मिलेगी जो भी बेंचमार्क्स दिखाए हैं उससे। बहुत ज्यादा तो कम नहीं होगी बट हाँ थोड़ी सी कम जरूर हो जाएगी, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना। बाकी मैं तो फिर वही बोलूंगा कि रिकमेंड तो मैं आपको यही करूंगा कि 16GB रैम ले लो, 240GB की SSD ले लो और जो हार्ड ड्राइव है उसको थोड़े कुछ एक दो महीने बाद ले लेना थोड़े और पैसे कलेक्ट करके, तो वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और जो भी आपका विंडोज वगैरह होगी उसको इंस्टॉल कर लेना अपनी SSD के अंदर। पावर सप्लाई के बारे में बात करें तो यहां पर आप किसी भी एक अच्छे ब्रांड की तरफ से 450 वॉट की पावर सप्लाई का यूज कर सकते हो, लाइक Corsair की CV450 आती है आप उसका यूज कर सकते हो, लगभग 3000 रुपए के आसपास में आपको ये देखने को मिल जाएगी। या फिर आप किसी और ब्रांड की अच्छी सी एक पावर सप्लाई का यूज कर सकते हो। एंड बात करें हम लोग कैबिनेट के बारे में, तो ये भी एक बेसिक सी ही कैबिनेट है, आप भी कोई एक अच्छी सी बेसिक सी कैबिनेट ले सकते हो 2-3 हज़ार रुपए के आसपास में। देखो जो कैबिनेट है वो मैं आपके ऊपर चॉइस इसलिए छोड़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखो ना कि आपको क्या फीचर्स चाहिए, आपको किसके लुक ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो आप उस हिसाब से जो है कोई भी कैबिनेट अपने मन पसंद की ले सकते हो 2-3 हज़ार रुपए का, यहाँ पर लगभग आपका बजट बन जाएगा कैबिनेट का, ठीक है। अब ये बात तो भाई सभी कॉम्पोनेंट्स के बारे में, अब हम आ जाते हैं सबसे ज्यादा मेन चीज के ऊपर कि भाई ये परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है, कैसे कितने कितने FPS मिलते हैं हमें गेम्स के अंदर। तो आइए चलते हैं और जल्दी से हम लोग जो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस को देख लेते हैं और बेंचमार्क्स को देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है भाई गेम्स के अंदर। तो बेंचमार्क्स आपके सामने हैं। Just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. This legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Happy
been on since 13, working hard and learning, never stopping searching, yeah, it's burning, all this passion hurts me, I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something, I don't wanna be nothing, living all alone. तो जैसे कि आपने देखा कि यार ये कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें जो है 1080p रेजोल्यूशन के ऊपर प्रोवाइड कर देता है, एंड आई होप कि ये पीसी बिल्ड जो है आपको भी यार काफी ज्यादा पसंद आएगा। पसंद आया तो यार वीडियो को अभी के भी लाइक कर दो, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और भाई सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं कराए तो, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर से यार फॉलो कर लेना, लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।